My dear students, let's continue our practice set 1.2 from question number 2. Second question, graphical method of simultaneous equation ka solution. Okay, x plus y equals 5, x minus y equals 3. So jaise aapko pehle maine explain kiya tha, pehla equation ko yahan par likhenge hamara single line page jo graph book ke andar. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. आंसर शीट लिखते टाइम एग्जाम में क्या करेंगे आप, ये जो सिंगल लाइन का आपका पेपर शीट मिलता है आंसर शीट, उसमें आप ये करेंगे, और ग्राफ का सेपरेट शीट मिलेंगे उस पर आप ग्राफ बनाएंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, यहाँ पे बॉक्स बनाकर रखा x वाई एक्स वाई. ऑलरेडी मैंने दो सम से एक्सप्लेन किया हुआ, इसके लिए मैं इसको थोड़ा फास्ट लेकर जा रही हूँ. पहले इक्वेशन यहाँ पर लिखा x प्लस 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन यहाँ पर भी लिखना है बॉक्स के जस्ट अबव. और यहाँ से हमें y लेफ्ट में रखना है, देखो y इज इक्वल टू 5 राइट साइड में, लेफ्ट साइड में से x यहाँ पर आया तो माइनस एक्स. अभी x को एज्यूम करेंगे तो y मिलेगा. इफ x इज इक्वल टू, कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, लेकिन इतना ध्यान देना है कि छोटे छोटे वैल्यू एज्यूम करें, या फिर ऐसा वैल्यू एज्यूम करें जो हमारे पेपर के अंदर, ग्राफ पेपर के अंदर फिट हो. x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x के बदले में 3. 5 माइनस 3 इज 2, तो हम लिखेंगे x अगर 3 था, 3 है, तो y 2 होगा. तो पहला पॉइंट हमें मिला 3 और 2. दूसरा, x का वैल्यू हमने 5 डाला. आप अलग अलग लोगों का कैलकुलेशन नहीं, अलग अलग होगा, वैल्यूज अलग अलग होंगे, क्योंकि अपने अपने हिसाब से हम वैल्यूज डालेंगे x का. x 5 है तो y का वैल्यू 5, ये y इज इक्वल टू 5 माइनस x के जगह में 5, इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज 0. नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू 4, अगर x को 4 माना तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x के बदले 4, 5 माइनस 4 इज 1. तो हमें तीन वैल्यू मिला, x 3 है तो y 2 है, x 5 है तो y 0 है, और x 4 है तो y 1 है, x 4 y 1. तो इन दोनों को साथ में लिखना है 5 0 4 1. कभी भी गलती से 0 पहले 5 1 बाद में, यानी x का वैल्यू पहले कभी लिखना नहीं, हमेशा x सॉरी y का वैल्यू कभी लिखना नहीं पहले. x का वैल्यू पहले आएगा, y का वैल्यू दोबारा आएगा. फर्स्ट x का वैल्यू आएगा, सेकंड y का वैल्यू आएगा. ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हमें लिखना होता है. अभी नेक्स्ट इक्वेशन हमें दिया हुआ कौन सा है, x माइनस y इक्वल्स 3. x माइनस y इक्वल टू 3, और टेबल बनाया, x y और x y लिखा. इक्वेशन को यहाँ पर ले आया x माइनस y इक्वल टू 3. यहाँ पर y जो है नेगेटिव है, हमें नेगेटिव वाई नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमने दैट इज डाल के ये पूरे लेफ्ट साइड का राइट में कर दिया इक्वल के, और राइट में इक्वल के राइट में जो 3 था उसको लेफ्ट में लाया. तो हमारा इक्वेशन बन गया 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. इस तरह कंप्लीट टर्म्स को अगर लेफ्ट में से राइट में, राइट में से लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता. तो 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. अब यहाँ से माइनस वाई को लेफ्ट में लेकर आएंगे अकेले, तो वो प्लस वाई बन जाएगा, और एक्स राइट में है ऑलरेडी तो उसको राइट में रखा, लेफ्ट साइड में से थ्री पॉजिटिव 3 राइट में ले जाओगे तो नेगेटिव 3. तो वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 बना. अभी हमारा प्रॉपर एक इक्वेशन बन गया. एक्स को कुछ भी नंबर मानो तो वाई मिलेगा. अभी एक्स को मान लिया, इफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स को 2 माना तो वाई एक्स के जगह में 2, वाई इज इक्वल टू एक्स के जगह में 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इज माइनस 1. इफ एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स को 1 मान लिया तो वाई इक्वल्स एक्स के जगह 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज माइनस 2. इफ एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स को अगर हमने 4 मान लिया तो वाई इक्वल एक्स के जगह 4, मैं दोनों जगह में दिखा रहा है जो ओरिजिनल इक्वेशन है और वैल्यू डालने के बाद जो है, एक्स के जगह 4 माइनस 3 इक्वल्स 1. तो यहाँ पर हमें एक्स जहाँ जब 2 था तो वाई मिल गया माइनस 1, एक्स 1 है तो वाई मिल गया माइनस 2, एक्स 4 है तो y रहेगा 1. सो x 1 x 2 y माइनस 1, x 1 y माइनस 2, x 4 y 1. ओके, सो हमारे दोनों इक्वेशन के पेयर्स ऑफ नंबर्स या कोऑर्डिनेट्स जो पॉइंट्स हमें मार्किंग करना था वो रेडी हो गया. ये x प्लस y इक्वल टू 5 का और x माइनस y इक्वल टू 3 का. अभी हमारा प्लॉटिंग मतलब पॉइंट को प्लॉट करना है और हमें हमारा ग्राफ बनाने का है. तो चलो ग्राफ पेपर लेते हैं. यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ग्राफ बना कर रखी हुई है, जस्ट फॉर नॉट वेस्टिंग द टाइम, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना इसके लिए.
तो अभी यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस मैंने बनाया एक्स एक्स डैश, और ये सेंटर से वर्टिकली वाई एक्सिस बनाया वाई, और यहाँ पर वाई डैश, ओके ये भी हुआ, और उसके बाद ओरिजिन, फिर 1 2 3 4 5 पूरे -1 -2 -3 -4 ये भी बनाया, और वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स डाउन, ओके सब हो गया। और उसके बाद हमारा पॉइंट्स क्या क्या है हमें अभी चेक करना है। पॉइंट्स हमने पहला इक्वेशन के लिए बनाया हुआ क्या क्या था, पहला इक्वेशन का एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव का पहला पॉइंट है 3 और 2, तो एक्स एक्सिस में 3 पे जाएंगे, वाई एक्सिस में 2 पे, एक्स 3 और वाई 2, एक्स इधर वाई इधर, दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर हमारा पॉइंट बना। और दूसरा पॉइंट है 5 0, तो एक्स एक्सिस में 5 पे जाओ, वाई एक्सिस में 0 मीन्स कहीं नहीं जाना, वहीं के वहीं रहना, एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस का 0 है वैल्यू, 0 वैल्यू में कहीं भी हम जाते नहीं हैं, कहीं भी मूव नहीं होता, तो किधर आया 5 पे। और सॉरी नेक्स्ट वैल्यू हमारा 4 और 1 है, एक्स एक्सिस में 4 और वाई एक्सिस में 1, 4 और 1 यहाँ पर, तो तीनों पॉइंट हमें ऐसा मिला, ये 3 2, ये 4 1 और ये 5 0, तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है। स्केल लेकर हमें क्या करना है, इसको ग्राफ बना देना है या ये तीनों लाइन को जोड़ देना है, तो तीनों लाइन को जोड़ दिया और काफ़ी लंबा बना देना, आपके ग्राफ बुक के हिसाब से आप बड़ा बना सकते हो। और उसके बाद कोई भी एक एंड में, ये जो ग्राफ है ये जो लाइन है उसके ये एंड में, अदरवाइज ये दूसरे एंड में, कोई भी एक एंड में आप ये इक्वेशन लिख सकते हो जिस इक्वेशन का आपने ये ग्राफ बनाया। तो कौन सा इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव, सो आई हैव रिटन दैट इक्वेशन हियर, जो ग्राफ है अलोंग द साइड ऑफ ग्राफ यू हैव टू राइट द इक्वेशन। उसके बाद अभी सेकेंड ग्राफ को बनाने का है, सेकेंड इक्वेशन का हमने सॉल्व करके रखा हुआ वैल्यू से 2 और -1, 2 और -1 एक्स एक्सिस में 2 वाई एक्सिस में -1, 2 और -1 यानी यहाँ पर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है 1 और -2, 1 एक्स एक्स में 1 वाई एक्सिस में -2 यहाँ पर, 1 से -2 तक। और तीसरा है 4 और 1 एक्स एक्सिस में 4 वाई एक्सिस में 1, वापस वही पॉइंट, यानी पहला जो ग्राफ हमने बनाया उसमें भी 4 और 1 आया, इसमें भी 4 और 1 आया, तो बार बार उधर पॉइंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो दीज 3 पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वी हैव टू प्लॉट रिगार्डिंग द इक्वेशन एक्स माइनस वाई इक्वल्स 3। अब ये तीनों पॉइंट को जोड़कर यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया, और उस ग्राफ के कोई भी एक एंड में वो इक्वेशन लिख देना है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इतना पूरा होने के बाद हमें देखना है हमारा ग्राफ्स दोनों यानी लाइंस दोनों एक पॉइंट में मिलेंगे, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट होगा। ये दोनों लाइंस कहाँ पर आके मिले, ये वाले पॉइंट में, ये वाला पॉइंट है 4 और 1, 4 और 1 उस पॉइंट को हमें मार्किंग करना है, तो ये पॉइंट को लिखा 4 और 1, ओके। और इसके बाद हमारा सेंटेंस हम लिखेंगे आंसर, आंसर क्या होगा, द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 4 1, देयरफॉर द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज x is equal to 4 and y is equal to 1, otherwise 4 1। दोनों ग्राफ इक्वेशंस का, दोनों ग्राफ 4 और 1 ये पॉइंट में मिला है, इसीलिए ये दोनों इक्वेशन का, कौन सा इक्वेशन x plus y is equal to 5 और x minus y is equal to 3, ये दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, ये हमारा फाइनल सेंटेंस होगा। ओके ये फाइनल सेंटेंस लिखने को जाने से पहले हमको स्केल लिखना है, जो भूलना नहीं है, और स्केल सभी ग्राफ में, ये जो कैटेगरी के सभी ग्राफ में एक ही होगा, ऑन बोथ द एक्सिस यानी दोनों एक्सिस में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, सो दैट इज़ द स्केल। तो इतना ही हमारा ग्राफ पेपर के अंदर अभी हमें फाइनल आंसर उठाकर लिखना है। सो हमारा फाइनल आंसर हम इस तरह लिखेंगे, द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस इंटरसेक्टेड पॉइंट 4 1, 4 1 में इंटरसेक्ट हुआ, देयरफॉर x is equal to 4, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 1, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। ओके नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन मोर सम। थर्ड सम का क्वेश्चन है x plus y equals 0, 2x minus y equals 9। सो x plus y is equal to 0 जो इक्वेशन है उसके लिए हमने कॉलम बनाया, और x plus y is equal to 0 इक्वेशन इधर लिखे, y को लेफ्ट में रखा इक्वल, x यहाँ से लेफ्ट में से राइट में जाओगे तो माइनस x, बराबर y is equal to माइनस x, क्योंकि 0 यहाँ पर ऑलरेडी है, x यहाँ से जाओगे माइनस x, 0 माइनस x इज माइनस x ओनली, सो वी कैन डायरेक्टली राइट माइनस x। इफ x इज इक्वल टू 5, x को मान लिया 5, तो
तो y हो जाएगा एक y इक्वल इधर एक माइनस और x का वैल्यू 5, तो y हो गया माइनस 5। इफ x इज इक्वल टू 2, x का जगह में 2 मान लिया तो y इक्वल ये माइनस साइन और x का वैल्यू 2, तो x 2 है तो y माइनस 2 है। इसी तरह x 1 है तो y माइनस 1 है और x 3 है तो y माइनस 3 है। यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 वैल्यूज़ लिए है। आप पूछेंगे क्यों, तो विदाउट एनी रीज़न आप 3 वैल्यूज़ में भी सेम ग्राफ बना सकते हो। तो 3 वैल्यूज़ आर इनफ, पर 4 वैल्यूज़ भी कभी कभी कोई यूज़ करते हैं, तो ये कंपलसरी नहीं है। इफ़ यू वॉन्ट टू मेक 3 वैल्यूज़ ओनली यू कैन गो विथ दैट। ओके, सो यहाँ पर पूरा वैल्यू लिखना है 5 और माइनस 5, एक्स 5 है वाई माइनस 5, एक्स 2 है तो वाई माइनस 2, एक्स 1 है तो वाई माइनस 1, एक्स 3 है तो वाई माइनस 3। अब इसको साथ में लिखना है 5 माइनस 5, 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 और 3 माइनस 3। ओके, अभी नेक्स्ट इक्वेशन भी बना लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट करने जाते हैं। 2x माइनस y इक्वल टू 9 इक्वेशन है, और उसके लिए कॉलम बनाया। अगर पहले वाले इक्वेशन में आपने 4 कॉलम्स बनाया है तो ज़रूर आपको नेक्स्ट इक्वेशन में भी 4 कॉलम्स बनाना होगा। पहले वाले इक्वेशन में अगर आपने 3 कॉलम्स बनाया है तो नेक्स्ट इक्वेशन में भी आप 3 कॉलम्स ही बनाओ। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 लिखा इक्वेशन जो दिया हुआ, पर यहाँ पर y का साइन नेगेटिव है तो ये नेगेटिव y इधर रह जाएगा, हमें वैल्यू y का मिलेगा नेगेटिव y का, नॉट y का, पॉजिटिव y का वैल्यू नहीं मिलेगा अगर y को डायरेक्ट इधर रखेंगे तो। इसके लिए एक दैट इज डालकर पूरे हमने शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, तो 9 यहाँ पर 2x माइनस वाई राइट साइड में। ओके, सो हमारा ये स्टेप के बाद माइनस y को, नेगेटिव y को राइट में से लेफ्ट में लेकर आया तो पॉजिटिव y, राइट साइड में 2x है और लेफ्ट साइड का पॉजिटिव 9 उधर जाएंगे तो नेगेटिव 9। अभी इस तरह हमें y का इक्वेशन हमने बना के लिया 2x माइनस 9। उसके बाद अभी हमें एज्यूम करना है x का वैल्यू और y का वैल्यू मिल जाएगा। इफ़ x इज इक्वल टू 1, x को 1 मान लिया, y इज इक्वल टू 2x है ना, यहाँ पे 2x है तो इसका मतलब 2 इंटू x, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू x के बदले में 1 माइनस 9 इक्वल्स। अभी डायरेक्ट हम इधर आंसर करेंगे, पूरे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है, पूरे स्टेप्स लिखेंगे तो बहुत स्पेस जाएगा और आप कंटिन्यू डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 2 1 सा 2 हो गया, यहाँ पर ये दोनों इंटू करके माइनस 9, 2 माइनस 9 होता है माइनस 7। इफ़ x इज इक्वल टू 3, अगर आप में से किसी को ये जो 2 माइनस 9 माइनस 9 किस तरह बना हमें आइडिया नहीं है तो प्लीज़ आस्क मी द डाउट, अगर डाउट है तो ज़रूर डालना, डाउट बताना इधर इन द ग्रुप और इन द कमेंट बॉक्स, और वो डाउट मैं ज़रूर आपको क्लियर करके दूंगी। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज देन y इज इक्वल टू 2x मीन्स 2 इंटू 1 माइनस 9, 2 1 2 और 2 माइनस 9 इज माइनस 7। इफ x इज इक्वल टू 3, x को मैंने 3 डाला तो आप बोलेंगे लाइन से क्यों नहीं डाला, इट्स आर विश, वॉट एवर वैल्यू वी वॉन्ट वी कैन एज्यूम दे, बट इतना है कि वैल्यूज एक लिमिटेशन में रहना चाहिए ताकि हमारे ग्राफ पेपर में एकोमोडेट कर सके। x इज इक्वल टू 3 माना, y इज इक्वल टू 2x, 2x मीन्स 2 इंटू x, दैट इज 2 इंटू x का वैल्यू 3 माइनस 9, 2 3 जा 6 हो गया, 6 माइनस 9 नेगेटिव 3। अभी x को 4 माना तो y इज इक्वल टू 2 इंटू x के बदले में 4 माइनस 9, 2 4 जा 8, 8 माइनस 9 इज नेगेटिव 1। x को 5 माना, y इज इक्वल टू 2 इंटू x यानी 2 इंटू 5 माइनस 9, 2 5 जा 10, 10 माइनस 9 इज 1। तो हमें वैल्यू मिला जब x है, x अगर 1 है y माइनस 7, x 3 y माइनस 3, x 4 y माइनस 1, x 5 y 1। सो यहाँ पर 1 माइनस 7, 3 माइनस 3, 4 माइनस 1, 5 1। अब एक कॉलम बनाओगे तो थोड़ा सा बड़ा बनाना ताकि क्लियरली दिख सके। ओके, तो आपके पास दोनों टेबल का, दोनों इक्वेशन का वैल्यूज तो बन गया। अभी आपको क्या करना है, पॉइंट्स प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में और दोनों ग्राफ बनाने का है। दोनों ग्राफ बनाकर होने के बाद आपको ये चेक करना है कि दोनों ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ। आपका मन में अभी सवाल उठा होगा कि अगर इंटरसेक्ट नहीं हुआ तो,
आपको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया सॉल्व करने के लिए और आपका ग्राफ्स दोनों इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है आपने जो बनाया हुआ ग्राफ्स का कैलकुलेशन, एक तो कैलकुलेशन रॉन्ग है, नहीं तो फिर आपका पॉइंट प्लॉटिंग रॉन्ग है। अगर राइट किए होते तो ज़रूर आपका ग्राफ इंटरसेक्ट होगा। ओके, तो एक पॉइंट में ग्राफ्स इंटरसेक्ट होगा, दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो आपको इक्वेशन का वैल्यूज तो मैंने निकाल कर दिया, अभी ग्राफ प्लॉट मतलब पॉइंट्स प्लॉट करना और ग्राफ बनाना और फाइनल आंसर लिखना, इट्स योर वर्क। सो आपको वो करके मुझे दिखाना है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।